हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बाजार से रिलेटेड कुछ बड़ा अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आज आप लोगों को लग रहा है ना कि मार्केट 19,300 के आसपास है। आने वाले 4-5 साल में बाजार 25,000-30,000 के ऊपर भी जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि देखिए, लास्ट 2 साल की अगर मैं बात करता हूं, कोरोना के पहले की, पेंडेमिक के पहले की मैं बात करता हूं ना, तो मार्केट में इन्वेस्टर की जो संख्या थी बहुत कम थी, ठीक है। और इन्वेस्टर दोस्तों बहुत कतराते थे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से। लेकिन जब जो लॉकडाउन के जो समय था, 2 साल का जो पेंडेमिक का समय था, उस 2 साल में हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन हुआ, हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हुआ। मतलब 10 करोड़ डीमेट अकाउंट लास्ट 2 साल में ओपन हुए। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कितने ज़्यादा इन्वेस्टर की संख्या एकदम से बढ़ी, क्योंकि उस समय कमाई का जरिया ख़त्म हो गया था। बस हर दिन न्यूज़ पे, ठीक है, और वीडियोस के माध्यम से, मीम्स के माध्यम से, बस यही हमें पता चल रहा था कि स्टॉक मार्केट कितना ऊपर जा रहा है, एक दिन में कितना पैसा बन रहा है। तो क्या कर रहे थे, हर कोई व्यक्ति वहाँ पर पैसा लगाने की सोच रहा था, ठीक है। तो आज भी वो संख्या है ना कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और इसका सबसे ज़्यादा जो श्रेय है ना दोस्तों, वो डिस्काउंट ब्रोकरिंग को जाता है। क्योंकि पहले एक नॉर्मल व्यक्ति को स्टॉक मार्केट में आने के लिए काफ़ी मोटा पैसा खर्च करना पड़ता था, लेकिन आजकल डिस्काउंट ब्रोकरिंग ने क्या किया है दोस्तों, फ्री कर दिया है डीमेट अकाउंट ओपन करना। तो इसके कारण दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, और इसी डीमेट अकाउंट के चलते मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैसा आने वाला है। काफ़ी ज़्यादा पैसा क्यों आने वाला है? क्योंकि देश में सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकरिंग कौन सा है? जीरोधा, ठीक है, जीरोधा है। तो जीरोधा को दोस्तों सेबी ने एक और नए बिजनेस को चालू करने की अनुमति दे दी है। अब आप देखिए, जीरोधा को मिला म्यूचुअल फंड शुरू करने का इजाजत, ठीक है। मतलब दोस्तों ये जो न्यूज़ है ना, ये आप देख लीजिए कब का है, 11 तारीख का है, और आज 14 तारीख हो रही है। देश की सबसे बड़ी ब्रोकरिंग कंपनी जीरोधा को मार्केट रेगुलेटर सेबी से, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेबी से म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिल गया है। इस मौके पर कंपनी के CEO जो नितिन कामत जी है, उन्होंने ट्वीट करके बताया है दोस्तों कि हम बहुत जल्दी म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है वो भी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और अब देखिए, डिस्काउंट ब्रोकरिंग है, देश की सबसे बड़ी दोस्तों ब्रोकरिंग फर्म है। कितना बड़ा उसके पास क्लाइंट बेस है, लगभग 20-21% का मार्केट शेयर जो है ना होल्ड करती है, 20-21% का। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा कस्टमर बेस है, ठीक है। और कुछ नई सर्विस, ठीक है, कुछ यूनिक प्रकार की अगर म्यूचुअल फंड सर्विस अगर ये कंपनी लेके आ गई ना, तो जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनी है म्यूचुअल फंड की, ठीक है, उनको सीधा कंपटीशन मिलेगा। सीधा मतलब सीधा, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख सकती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, भारतीय बाजार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी संभावना निवेशकों के कम पार्टिसिपेट को लेकर है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में शेयर बाजार की रिटेल निवेशकों की जो संख्या में जबरदस्त उछाल आया है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, इसके बावजूद अभी भी करीबन 6-8 करोड़ की संख्या में ही यूनिक म्यूचुअल फंड और इक्विटी इन्वेस्टर है। मतलब दोस्तों, मात्र अभी अगर हम जनगणना निकालें, ठीक है, और हमारे देश की पॉपुलेशन निकालें, तो 150 करोड़ की आबादी का देश बन चुका है, 150 करोड़। ऐसा बीच में सुनने में भी आया था कि हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, और मात्र 6-8 करोड़ संख्या ही दोस्तों क्या कर रही है, म्यूचुअल फंड में और इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट कर रही है, मात्र 6-8 करोड़। बाकी कहाँ हैं? बाकी भी तो आएंगे, बाकी कब आएंगे? जब ऐसा डिस्काउंट ब्रोकरिंग दोस्तों मार्केट में उतरेगा, ठीक है, और मार्केट में दोस्तों बड़ा बड़ा क्या करेगा, अपना ये बोल के चल सकते हैं कि रिकमेंड करेगा, या म्यूचुअल फंड में कुछ नई स्कीम बताएगा। नहीं तो पहले क्या करता था दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जितने भी बैंकिंग सेक्टर है ना, सब थे, ठीक है, वो सब डीमेट अकाउंट ओपन करते थे, लेकिन वो बहुत हेवी चार्ज लेते थे, तो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं आ पाता था। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकरिंग आया, जीरोधा आया, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट को कैप्चर किया, और आज बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट से जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए, तो नितिन कामत ने कहा, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर हमें 10 मिलियन यानी 1 करोड़ नए निवेश को इक्विटी मार्केट से जोड़ना है, तो सिंपल जो प्रोजेक्ट है रखने होंगे, ठीक है, मतलब सिंपल सा रखना होगा, ठीक है, और प्रोटेक्ट ऐसे होने चाहिए जिसके बारे में आसानी से समझा सके। मतलब म्यूचुअल फंड से, ठीक है, हमें कोई 1 करोड़ यूज़र को अगर जोड़ना है, तो सिंपल से फंडा रखना होगा जो एक बार में वो यूज़र सीख सके उसको।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं नितिन कामत जी ने दोस्तों ट्वीट करके भी हमें बताया, ठीक है। उसके साथ नितिन कामत ने बताया कि जो AMC के जो नए CEO रहेंगे उनका नाम विशाल जैन रहेगा, ठीक है। ये दोस्तों नए वो रहने वाले नई कंपनी के, ठीक है। तो ये तो हो गई दोस्तों जीरोदा की बात कि जीरोदा मार्केट में आ रहा है। अब जीरोदा मार्केट में आ रहा है ना दोस्तों, तो जीरोदा के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल भी मार्केट में आ चुका है AMC वाले बिजनेस में, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि हेलिस कैपिटल्स भी आ चुका है, इसको भी अनुमति मिल सकी है। तो ये तीनों कंपनी दोस्तों एक दूसरे को काफ़ी खतरनाक तरीके से क्या करेगी दोस्तों, कॉम्पिटिशन देगी। अगर मैं बात करूँ जीरोदा की, जीरोदा का मार्केट कैप तो बहुत छोटा है लेकिन उसके पास कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, ठीक है। जियो फाइनेंशियल की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, उसके पास कस्टमर बेस तो नहीं है लेकिन उसके पास 1,66,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। और जियो फाइनेंशियल के साथ दोस्तों जो ब्लैक रॉक जो दोस्तों बड़ी सी कंपनी है वो भी दोस्तों उसके साथ काम कर रही है। तो बहुत खतरनाक तरीके से दोस्तों मार्केट में पैसा आने वाला है। देखिए कॉम्पिटिशन मार्केट में तो रहने वाला है, जीरोदा भी करेगा जियो फाइनेंशियल भी करेगा, ठीक है। लेकिन सबका अगर उद्देश्य हम एक देखें तो ये सबका उद्देश्य ये रहेगा दोस्तों कि मार्केट में बहुत खतरनाक तरीके से पैसा आने वाला है। मतलब सीधा सीधा उद्देश्य ये कि देखिए जियो फाइनेंशियल का भी शेयर मार्केट में नहीं है, ठीक है, या बोल सकते हैं कि जीरोदा AMC का भी शेयर अभी मार्केट में नहीं है, ठीक है। तो जो दूसरी कंपनी है बाजार में, ठीक है, जिनका आप मार्केट कैप यहाँ पर देख सकते हैं कितना खतरनाक देखने को, ICIC पोटेंशियल, ठीक है, 6,00,000 करोड़ का दोस्तों मार्केट कैप लेके बैठे आप देख सकते हैं। निपोन लाइफ 3,50,000 करोड़ का, आदित्य बिरला AMC 3,25 करोड़ का, ठीक है। कोटक महिंद्रा, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है। अभी इनको कंपटीशन देने में दोस्तों इन कंपनियों को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब तक ये जो कंपनी है ना इनके सबके मार्केट में लिस्ट है शेयर, आप देखिए इन सभी की फंडामेंटल कंडीशन भी बहुत अच्छी है दोस्तों, और इनके पास पहले से जमा जमा है मार्केट है, ठीक है। और ये कंपनियाँ क्या करेगी दोस्तों, इन कंपनी का बिजनेस मॉडल भी दोस्तों फॉलो जरूर करेगी, ठीक है। तो आप जरूर इन सभी कंपनियों को फोकस में रख के चलिए, जब ये कंपनियां मार्केट में आ जाएगी तो आप इनको भी फोकस में रख कर चलिएगा। लेकिन सबसे बड़ा तो दोस्तों प्रायोरिटी यही है कि आज मार्केट 19,500 करोड़ 19,500 पे है, ठीक है, बहुत जल्दी वो 20,500 पे भी आ जाएगा और 25,500 पे भी आ जाएगा, ठीक है। बस आपको मार्केट में अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है। और हमारे अब इस चैनल पे प्रॉफिट गुरु चैनल पे डेली बेसिस पे मार्केट का अपडेट आएगा। आप हमारे वीडियो को भी देखकर दोस्तों मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी भी फटाफट से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों।